मशहूर गुलूकार जनाब विट्ठल राव साहब की खिदमत में हाजिर हैं। हैदराबाद जो कल था के सिलसिले में आज हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। मैं जनाब विट्ठल राव साहब आदरस कर आदर साहब, कहा गया है कि उर्दू हिंदुस्तान में जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं उर्दू उनकी गज़ल की हैसियत रखती है और ख़ुद उर्दू की बैतुल गज़ल गज़ल है। यही वजह है कि गज़ल गायकी को हमारी मूसीकी में नहायत अहमियत दी गई है। केएल सहगल से लेकर बेगम अख्तर तक और मेहदी हसन से लेकर फरीदा खानम तक, लता मंगेशकर और आशा भोसले और दीगर गुलूकारों ने इस गज़ल गायकी के फ़न को इतने उरूज पर पहुंचा दिया है कि आज गज़ल के बग़ैर कोई महफिल महफिल नहीं लगती। हैदराबाद के मशहूर गुलूकारों में जो चंद नाम सबको याद हैं उनमें एम ए रऊफ़ और विट्ठल राव साहब हैं। आज हमारी खुशनसीबी है कि हम विट्ठल राव साहब से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी करीब 80 साल नहायत भरपूर ज़िंदगी का एक मुख्तसर सा जायज़ा उनसे हम उनकी गुफ्तगू के ज़रिए से हासिल करेंगे। मैं चंद सवाल जनाब विट्ठल राव साहब से करूँगा और मुझे यकीन है कि जो जवाब आप देंगे उनसे हमारे देखने वालों को बहुत ज़्यादा तस्कीन भी होगी और माजी की यादें ताज़ा होंगी। मेरी तालीम हैदराबाद में हुई है जी, लक्ष्मण राव पंचपोती नाबीना, मैं पहला उनका शागिर्द जी। उनके बाद फिर शफी जमा, उनसे भी तालीम हासिल किया। ये दोनों मौसीकी के उस्ताद हैं जी, मेरे उस्ताद है जी। नहीं तो यानी रियाज वगैरह आप उन्हीं के सामने? उन्हीं के सामने करता था जी, था, मगर अब मैं अपने कर ले रहा हूँ क्योंकि इतना बताए हैं वो लोग जी, ऐसे गुरु मिले मुझे जी कि तरीका बता दिए जी, तालीम कैसा करना जी, गले की गला कैसा करना जी, तो वो बराबर करते जा रहा हूँ मैं आज तक। आमतौर पर ये मौसीकी की तालीम के औकात क्या होते थे? औकात तो सुबह नहीं, कोई टाइमिंग कायम नहीं थी जी, बस नाश्ता करे हरमियम लेके बैठ गए जी, और घंटा डेढ़ घंटा गाने के बाद फिर थोड़ा आराम ले लेते, फिर शाम में फिर शुरू जी। तो तालीम काफ़ी हुई मेरी और मेरे को उस्ताद भी अच्छे मिले जी, लक्ष्मण राव पंचपोती और शफी जमान, एम ए रऊफ, गज़ल के वास्ते हो एम ए रऊफ साहब मेरे को आगे बढ़ाए गज़ल के लिए, गज़ल तो उन्होंने सिखाए मुझे। तो आप उनके घर भी जाते थे? घर भी जाता था मैं, और उनको रोकने के कितना भी रोको मगर घर पे आके मेरे को सिखा के जाते थे जी। तो ये बहुत ख़ास बात थी, यानी एक हौसला। दूसरी बात यह है कि शायद उन्होंने भी महसूस किया कि आपने वो बात है कि आपकी हौसला अफजाई की जाए। तो ये तो मौसीकी की तालीम हुई। तो आपने किस उम्र से वह लोगों के सामने गाना शुरू किया? सात साल का हो गया था जी, जब से शुरू कर दिया मैं गाना जी। तो उस जमाने में अदाई पे, क्योंकि 7 साल की उम्र में अदाई उतनी आसान नहीं होती नहीं होती, मगर उर्दू पढ़ा हुआ था, उर्दू पढ़ रहा था मैं जी, तो उसमें आसानी हो जा रही थी मुझे जी। उर्दू की तालीम की वजह से आपको मौसीकी में अदाई में भी अदाई में, क्योंकि गज़ल का मामला है जी हाँ। अच्छा जनाब विट्ठल राव साहब जी साहब, ये रऊफ साहब का तरीक़े तालीम क्या था? बहुत अच्छा था,
कभी कभी मेरे घर आ जाते थे वो जी, यानी मैं उनके घर जाना चाहता था मगर उन्होंने खुद आ जाते थे आके बेटे ऐसा ऐसा गाना है जी, क्योंकि गजल को हर एक तरीके से गाना पड़ता हो उसके हिसाब से जी। तो तर्जे आप खुद निकाल, तर्जे मैं बना लेता था। अच्छा, शुरू शुरू उन्होंने भी बना के दिए जी, फिर तरीका बता दिए जी, तो वो तरीके से आज तक मैं अपनी चीजें खुद कंपोज कर लेता था जी, उसके हिसाब से। और मेरे को जो तालीम हुई उर्दू की तालीम होने से मैं गजलें लिखना शुरू कर दिया। गजलें, दूसरों के गजलें बड़े उस्तादों के, वो लिख के जमा करके बस आज तक वो चीजें गा रहा हूँ। तो बयाज आपकी आपके साथ, मेरे साथ रहती है। कुछ यानी आपके पसंदीदा राग कौन से हैं? अब रागों का तो हिसाब ही नहीं है, मगर भैरवी, भैरव और भैरवी, भैरव और गजलों के वास्ते थोड़ा तेजी में चलना पड़ता, वो क्लासिकल में जरा बहुत रुक के गाना पड़ता, अब यहाँ तो गजल के साथ ही चलना पड़ता। तो इसमें भी यमे रऊफ साहब मेरे को बताए तरीके। आपको यादगार महफिलें कौन से साज आप बजाते हैं? मैं हारमोनियम, हारमोनियम हारमोनियम बजाता हूँ, बजा के गाता हूँ और तबला भी बजाता हूँ। कोई गाए तो उनके साथ तबले की संगीत भी करता जी। लेकिन आपके साथ कौन गाएगा? आप खुद गाएंगे? मैं गाऊंगा, अगर कोई दूसरे गा रहे हैं तो उनके साथ तबला बजाऊंगा। अच्छा, ये बहुत खास बात है। हमारे उस्ताद बोलते थे तबले की तालीम भी होना जरूरी है जी, नहीं तो पक्के नहीं होते जी। तो तबले की तालीम भी शायद दाऊद साहब वगैरह से। हाँ, शायद दाऊद साहब, वो लोग भी आते थे घर पे आके सिखा के जाते थे जी। तो तबले की भी अपनी जगह बहुत है जी। हाँ, तबला भी सीख गया था मैं जी, और सिखा रहा हूँ भी आजकल जी लोगों को, तबला भी सिखा रहा हूँ, हारमोनियम भी सिखा रहा हूँ, गाना भी सिखा रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि कमी नहीं होना जी, यानी आप गा रहे हैं दूसरे बजा रहे हैं वैसा नहीं, खुद गाना खुद बजाना। अच्छा, बस औकात गाने वाले अपने साथ एक तारा या कुछ रखते हैं तो कोई जरूरी, मगर गजल के लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, क्लासिकल के लिए जरूरी है। अच्छा, तानपुरा रखते, तानपुरा, हाँ तानपुरा रखते हैं, सरंगी रखते हैं। तो उससे क्या कुछ मदद मिलती है? नहीं, मदद तो मिलती है जी, मगर तरीके अलग अलग थोड़े से हैं। अच्छा, यादगार महफिलें आपकी क्या रही हैं? यादगार महफिलों तो मैं बयान नहीं कर सकता, इतनी हुई है जी। प्रिंस मौजूम के पास तो डेली, उनके पास क्या, रात का दरबार, रात का दरबार, और उन्होंने खुद लिखते चीज़ें। अच्छा, उनकी अपनी, हाँ उनकी गजलें मैं जब कभी भी गाता था तो बोलते बच्चे मैं अभी ताज़ी लिखा हूँ तो एकदम कैसा गा रहा था। नहीं। नहीं। बोला तालीम है, रऊफ साहब बता दिए हैं, और क्लासिकल में मेरे उस्ताद नाबीना लक्ष्मण राव पंचपुती, वो भी जानते थे। अच्छा जी, मैं गजल वजल नहीं सिखाए जी, मैं क्लासिकल, मैं समझता हूँ कदीम जमाने के उस्ताद गजल को उतनी अहमियत नहीं देते, ठुमरी दादरा। हाँ, ठुमरी दादरा बहुत बहुत जी, हाँ बहुत मानते थे जी, आज तक मान रहे समझिए। अच्छा, गजल ठुमरी दादरा ये चल रहा, क्योंकि बड़े लोग वही शुरू कर देते थे जी, बैठते कोई दादरा सुना देते थे तो मैं बोलता था ये दादरा क्या है जी, तो समझाए, तो दादरा ठुमरी जी। और उस जमाने में तवाइफिन गाते थे बड़े लोगों के दरबारों में। अच्छा, ठुमरी दादरा होते थे, हाँ ठुमरी दादरा सब गाते थे, तो मैं भी गाता था जी। आपने यानी बेगम अख्तर वगैरह को भी सुना हो? जी हाँ,
बहुत ज़्यादा सुना हूँ और मेरे पास आके भी गए हैं बेगम अख्तर, हैदराबाद आए तो बराबर मिलके जाते थे। आप इसके अलावा जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि यादगार महफिलें जो हैं तो मुअज्जिन जाह के पास आप हर रोज जाते थे? हर रोज। अच्छा, गाड़ी भेजते थे वो? जी, हर रोज जाता था। जब नई चीज़ उन्होंने लिखते जी तो मेरे को दे देते जी, तो मैं फौरन सुना देता था, तो परेशान रहते थे जी बच्चे, तो एकदम कैसा बोला सरगम से वाकफियत है बुजुर्ग, इसीलिए मुझे आसानी से कंपोज कर लेना पड़ता जी। तो आपको उन्होंने अपने तौर पर विट्ठल जाह का खिताब दे दिया जी, विट्ठल जाह जी। तो ये आमतौर पर कितनी देर तक आप गाते थे वहाँ? चार घंटे पाँच घंटे इतना जी। और आपके अलावा उस वक्त कोई और नहीं होता? नहीं, सिर्फ रऊफ साहब वगैरह जाते थे जी, उनके बाद मेरा जाना ज्यादा। तो रात के 12 बजे शुरू होती थी? 12 बजे शुरू, सुबह 6 बजे, कभी 5 बजे खत्म होता था, कभी 6 बजे खत्म होता था। तो आमतौर से आप किस रात से शुरू करते थे और किस रात पे खत्म करते थे? जैसे बोलते क्या है जी, नहीं रागों में तो बहुत सारे राग हैं। अच्छा, नहीं अक्सर ये मगर अक्सर भैरवी के बाद जो भैरवी के ये जितने चीजें हैं उसके बाद भैरवी होती थी आखिरी में। अच्छा, ये चीजें होने के बाद जी लोगों को जरा आसानी भी होती थी सुनने। तो रात का खाना भी वहीं होता था मौसम जब बहादुर के पास। आमतौर पर रात में 10-11 बजे जी, 12 बजे रात का खाना। उसके बाद महफिल जमती? नहीं, महफिल तो पहले जम जाती थी चाय पी के जी, उसके बाद में महफिल जब खत्म होने आती थी जी, जब खासा निकलता था जी। आपका अपना पसंदीदा राग कौन सा है? ऐसे तो राग पूरे अच्छे होते हैं जी। अब रागों में मुझे सेकंड काफी में भी गाता था मैं जी। होरी काफी बोलते थे जी, होरी काफी में भी गाता था जी। और यानी हर राग में गाने की तालीम हो गई थी, हर राग में मैं खुद बिठा लेता था जी, कंपोज कर लेता था घर में जी। क्योंकि सुन सुन के उनके साथ साथ रह के ये सब मुझे आ गया था जी। तो एक ही शब्द था। आप किन किन शायरों का कलाम आपने सुनाया है? हैदराबाद के तो कोई छूटे नहीं सर, मसलन मखदूम मोहिउद्दीन जी, और शास्तम कनत भी है। अच्छा, शास्तम कनत, मखदूम मोहिउद्दीन, शास्तम कनत और खुर्शीद अहमद जामी। तो इनकी गजलें भी? इनकी गजलें भी काफी गाया, उस जमाने भी गाया, आज भी सुनते हैं लोग जी वो गजलें। ये तो हुआ शाही दरबार। आप आमतौर पे आपके कॉन्सर्ट्स वगैरह जो हुए वो कहाँ पे? हैदराबाद में बहुत हुए, हैदराबाद से हट के अमेरिका में काफ़ी हुए और बुलढाना में हुए। बुलढाना कहाँ है? अच्छा, उधर ही छे बेलगाम जी, बॉम्बे दिल्ली। हाँ, बॉम्बे दिल्ली सब फिर लिया जी। और कर्म है कि आज तक भी वो लोग बुलाते हैं मुझे जी। मैं समझता हूँ कि आखिर में आप एक तो आपकी आवाज नहाय सुरीली है और मुस्की का आपका पसमंजर है, फिर आपकी तर्जें भी बहुत जानदार होती हैं। और कमाल तो यह है कि शोरा बैठे रहते तो बोलते ये हमारी गजल गाई है जी, तो लेके जब भी गाते तो उन्होंने बोलते थे
कैसा गा रहे हैं आप जी? कंपोज कैसा कर लिए? मतलब आप लोग कंपोज में लिखते लिखते ना जी? हाँ, लिखत जो है गजल की उसमें तोड़ जोड़ नहीं होता, बराबर हम मजे में गा सकते जी हाँ। और जो सीखे हुए हैं वही गाते, जो सीखे हुए नहीं है तो वो नहीं गा सकते। यानी बहरों से वाकिफी? बिल्कुल, बहरो बहरमी ये पूरे रागों में। अब देखिए कर्म है, बड़े बड़े उस्ताद मेरे घर पे आके भी मेरे को सिखा के गए। अच्छा, ये तेज है बच्चा, फौरन पिक कर लेता है। घर पे आके सिखाते थे, रऊफ साहब आके सिखाते थे, गजल ऐसा गाते हैं, गजल की गायकी। आपको रऊफ साहब के अलावा उस जमाने में और कौन गाने वाले थे? रऊफ साहब के बाद दूसरे आए, बहुत सारे आए जी, और उनका नाम गिना नहीं सकता इतने आए। खान साहब, बड़े गुलाम अली खान भी बहुत दिनों तक हैदराबाद में थे, और उन्होंने जितने दिन थे यहाँ पर जहीर यार्जिंग के पास ठहरते थे जी, तो बोलते थे विट्ठल को बुला लो, मेरे को विट्ठल को बुला के ला लो जी, तो आदमी गाड़ी लेके आके मेरे को ले जाता। अच्छा, लेकिन उनको मैं समझता हूँ गजल से उतना लगाव नहीं था। अच्छा, गजल से लगाव था जी। अब उन्हें के पास बैठ के गा रहे हैं और उनके दोस्त बैठे हुए हैं जी, तो जाहिर है उन्हें कुछ बोल नहीं सकते। उनके भाई भी थे बरकत अली खान, वो भी बहुत अच्छा, वो भी जवाब नहीं था उनका भी जी, बरकत अली खान साहब। इसके अलावा मैं जो आजकल मौसीकी का जो रुझान है जी, उसमें जाहिर है कि काफ़ी तब्दीलियां आई हैं। तब्दीलियां, बहुत तब्दीलियां हैं जी, क्योंकि कुछ ये फिल्मों के शुरू हो गए जी गाने जी, तो वहाँ से शुरू होगा लोगों का, तो गजल को भी फिल्मी अंदाज में गा रहे हैं आज। अच्छा, पहले गजल को गजल की वैसा गाते थे। अच्छा, अब मिला के गा रहे हैं जी। हाँ, आपको जो फिल्मों में जो गजलें गाई गई हैं जी, उनमें किसकी गजलें ज्यादा पसंद आई? मिसाल के तौर पे लता की गाई हुई है मदन मोहन की ये तर्ज पे, हम हैं मताए कुछ और बाधा की तरह, तो ये तो बाकायदा सेमी क्लासिकल तो ये किस राग में है? कुछ राग हम हैं मताए कुछ है दा बात है, हाँ, ख्याल नहीं है। हाँ। अच्छा, तो ये तो मेयारी है, मेयारी है। अच्छा, इसके अलावा नूरजहां भी गाती थी? जी, नूरजहां भी गाती थी, मगर उनसे हमको ज्यादा मुलाकात नहीं थी। अच्छा, ये मगर सुनते थे हम उनके जी। मेहंदी हसन जवाब नहीं, उनका भी मेहंदी हसन का भी। अच्छा, वो भी पूरा क्लासिकल उनका क्लासिकल था। फिर बाद में गजल को ये जमाने में गजल को गजल कर दिए हैं। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग उर्दू पढ़े हुए नहीं है जी, बाहर के जितने जी, मगर हमार को थोड़ी सी रोशनी लग गई तो वहाँ के लोग शुरू कर दिए। फिर बाजाबता बुला के लोगों से उनसे सीखते थे। हाँ। सीखना शुरू करे जी। मैं भी दो चार लोगों को बोला कि उर्दू गजल गा रहे तो उर्दू के उस्ताद को बुला के सीखो उनसे। अच्छा, रस्मुलखत? हाँ, रस्मुलखत। आप क्या तो जाहिर मैट्रिक के लेवल तक भी आप उर्दू मीडियम जी। और दूसरी बात यह है कि मराठी भी जो है एक लिहाज से हिंदी से बहुत करीब है, हालांकि मैं महाराष्ट्री हूँ जी, मगर मराठी बोलने ही नहीं आता मुझे। अच्छा, क्योंकि इधर ही लव लगी हुई है जी, फिर भी इन्हें समझ लेता हूँ मैं जी। लोग मराठी हमारे लोग आते जी, हाँ, उन्होंने बात करे तो समझ लेता हूँ मैं जी, मगर हिंदी में बात करता हूँ। अच्छा, जवाब हिंदी। आप नात और भजन वगैरह भी गाए? जी हाँ, नाते कलाम भी गाया, भजन भी गाया। कोई मशहूर नात जो आप हाँ,
नातिया में बहुत सारे हैं जी, मैंने तेरी आंखों में पढ़ा जी, अल्लाह ही अल्लाह जी, ये गाया काफी मैं जी, ये पढ़ा हाँ अच्छे से, और फिर सैकड़ों उसके बाद में गाया हूँ जी, और वो पूरे याद नहीं है बेशक लिखे हुए हैं, और वो बयाज में से, बयाज में से हाँ महफिल देख के निकालते हैं वो चीज़ जी। जी आप कुछ तबीयत आपकी मौजूद हो तो कुछ आप हल्का सा एक कोई कुछ गुनगुना सकते हैं? अरे बिल्कुल गुनगुना सकता हूँ, क्या बात। आई है हाल दिल पे हंसी कम बहुत ही कम, आई है हाल दिल पे हंसी कम बहुत ही कम, और क्या है पाई है जिंदगी में खुशी कम बहुत ही कम, पाई है जिंदगी में खुशी कम बहुत ही कम, आई है हाल दिल पे हंसी कम बहुत ही कम, इस किस्म के गजलें तो मारधार के गजलें नहीं सुना है हमें जी, मारधार के गजलें गाते लोग जी हाँ, तो वैसा मियारी कलाम, मियारी कलाम तो उसको धुन भी मियारी होना बेशक। इसके अलावा जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके कुछ रिकॉर्ड्स भी निकले हैं? हाँ निकले हैं, रिकॉर्ड भी निकलेगा अभी एचएमवी के भी निकले जी, और अब तक भी चल रहे हैं। अच्छा बेशक, ये आपके ख्याल में किसी भी मूसीकार या गुलूकार का जो उरूज का जो जमाना होता है वो आमतौर पे किस उम्र में उरूज पे रहता है, यानी मैं कि आवाज उसका गला यानी उसका जो मेंटेन करने का है दम सांस जिसको बोलते हैं, तो वो ज्यादा उरूज पे किस उम्र में रहता है? 40-45 साल अपने हाथ में, गाने वाले के हाथ में जी, अगर उन्होंने दूसरे कुछ शौक में करने लगे जी तो ऊपर नहीं आते। जनाब विट्ठल राव साहब से हमारी गुफ्तगू जारी थी जी, कि हुस्न इत्तेफाक से उनके भतीजे दीपक राव साहब हाँ, जो तबले पर जी उनकी संगत करते हैं वो भी तशरीफ लाए, हमने उनको भी अपनी गुफ्तगू में शामिल कर लिया, जैसे हारमोनियम के साथ तबला भी हुआ करता है जिससे मौसीकी का लुत्फ और बढ़ जाता है, तो इस तरह कभी कभी याददाश्त में दीपक राव साहब भी उनकी मदद करेंगे और वो भी हमारी गुफ्तगू में शामिल रहेंगे। मैं फिर एक बार जनाब विट्ठल राव साहब से पूछना चाहूँगा कि हुजूर निज़ाम जी आसिफ जाह साबिक की महफिलों में उनके दरबार में भी कभी उनकी हाजिरी हुई है? हमारी जी हाँ हुई है, ये कब की बात है? मेरे को याद नहीं है, छोटा था मैं जी, 7 साल की उम्र थी जब, 7 साल की उम्र यानी आज से करीब 70 साल पहले, बिल्कुल 70 साल पहले। तो उसकी यानी कैसे सबील कैसे निकली उनसे मिलने की, वजह कैसे हुई? रेडियो में सुने थे, रेडियो हैदराबाद रेडियो से सुने थे, आपको बुला लिए। अच्छा, तो उन्होंने कहला भेजा जी हाँ, तो आप तशरीफ ले गए? बिल्कुल, तो वहाँ तो काफी दरबारी माहौल था, वो शंकरी भाई के जमाने की, शंकरा भाई बहुत अच्छी, वो भी शायद यहीं करीब में कहीं रहते थे। अच्छा, तो वो भी माहिर थी क्लास, अच्छी थी क्लासिकल। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा निज़ाम ने? सिराज की चीज, निज़ाम ने आपसे क्या कहा? सिराज की गजल, सिराज औरंगाबादी की गजल जी, तो मैं सुनाया तो बहुत परेशान हो गए जी, जरा सख्त है वो, क्या है वो खबर तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। इसको आप गुनगुना सकते हैं? जी हाँ सुनेंगे। खबर तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो
तू रहा ना तो मैं रहा, ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही, खबरे तेरे इश्क सुन। इतना उमदा बगैर साथ के आप गाते हैं, मुझे एक बात की इजाजत दीजिए, इसका एक शेर है कि चली समत गैब से एक हवा, एक हवा सुरूर का जल गया, जल गया मगर एक शाखे निहाले गम, जिसे गम जिसे मगर एक शाखे निहाले गम, जिस दिल कहे तो हरी दे, ये भी गुनगुना दीजिए। कहाँ है इसमें खबर तहय्युर है इसमें? हाँ, ये शेर ये है कि चली समत गैब से एक हवा, चली समत गैब से एक हवा, के चमन चमन सुरूर का जल गया, मगर एक शाके निहाल गम, जो रही सो बे दिल कहें सो हरी, जो रही सो जिसे दिल कहे सोहरी रही, खबरे तयुरे इश्क सुन। तो आला हजरत भी बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए जी। तो ये आप बगैर सांस के गाए? बगैर सांस के गाया था, बगैर सांस। हाँ, एक मरतबा बगैर सांस के साथ, एक मरतबा सांस के साथ। माशाल्लाह। तो ये निज़ाम से एक यादगार मुलाकात, किंग कोठी में। अच्छा, ये क्या रात का वक्त था या दिन में? शाम का वक्त हो रहा था जी। तो अजान से पहले, अजान से पहले यानी असर का वक्त था, यही वक्त था जिसमें हम गुफ्तगू करते। बिल्कुल, वाह। इसके अलावा जी, जैसे मौजम जाह के दरबार में जब आप जाते थे जी, तो क्या फानी बदायूनी भी उन दिनों आते थे या वो रहलत कर रहे थे? ऐसा मतलब शाहिद सिद्दीकी ज्यादा आते थे। अच्छा, तो उनके गजलें भी आप कभी गाते थे उनके दरबार में? सिर्फ मौजम जाह। अच्छा, सिर्फ मौजम जाह उनकी चीजें गाना है। तो आप जो डिनर भी करते थे तो बहुत उम्दा होता था? उम्दा होता था जी। अच्छा, वो खुद कम खाते थे, हम खुद बोलते थे लो और लो। नहीं, जैसे किस्सा भी है कि बेगम अख्तर ने इम्तिहान में एक बार, गाजर का मौसम नहीं था, तो उनसे कहा कि गाजर का हलवा खाना था। 2 बजे रात को उठा के बुलाए थे, तो इंतकाम में उसने कहा कि गाजर का हलवा अगर हो तो खिलाइए। तो मुअज्जिन जाने किसी को इशारा किया तो 12 मरतबा गाजर के हलवे के आगे, तो उससे बेगम अख्तर। ऐसे कोई वाकयात आपको याद है? मेरे को थोड़ा थोड़ा। इसके अलावा ये जो आपके साथ फाइन आर्ट्स एकेडमी जब कायम हुई, तो मैं समझता हूँ आप उसके तकरीबन बानियों में से रहे जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए। कंपोजिंग मैं करता था जी, और क्या नाम था? मुमताज जी, मुमताज भाई और विठल राव की जोड़ी थी। अच्छा, इकबाल कुरैशी भी। अच्छा, इकबाल कुरैशी बहुत कम आते थे, मगर अच्छा अच्छा हाँ अच्छी महफिल बन जाती थी वहाँ पर। तो वो भी तर्जे बनाते थे। अच्छा, तो जो फनकार उन दिनों आपके साथ थे उनके कुछ नाम याद हैं आपको? मुमताज़, इकबाल कुरैशी। अच्छा, और हकीम रागी। अच्छा, हकीम रागी आज भी है शायद? नहीं, हकीम रागी के शायद इंतकाल हो गए। वो आप से सुने जी। तो पाकिस्तान भी आप तशरीफ ले गया था? आप गए थे? पाकिस्तान? अच्छा, 12 रुपये हुई पाकिस्तान में? दुबई वगैरह गए? दुबई गया था, कुवैत गया था, दुबई गया था। अच्छा, तो पाकिस्तान के जो गजल के गाने वाले हैं, बहुत खुश हुए सुन के। अच्छा, बोले ये मराठी आदमी है गजल का जी। तो वहाँ पर आप मेहदी हसन, नूर जहाँ वगैरह सबको सुन? सब कुछ। अच्छा, फरीदा खानम? बिल्कुल। लेकिन वहाँ मैं समझता हूँ कि आपस में टकराव की कैफियत रहती है? कभी नहीं। अच्छा, वहाँ नहीं? नहीं, तो भलमनसाट। अच्छा,
ये दाद देने के जो तरीके थे कदीम जमाने में थे वो कैसे होते थे? बावाज वाह 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 डर जाते थे जी। कभी कुछ नजर वगैरह भी नजर भी देते थे। अच्छा, लिफाफों में? ऐसा लिफाफों में रख के हरमन के नीचे रख देते थे। अच्छा, तो ये 7 साल की उम्र में तो आप निजाम के दरबार में आपकी हाजिरी हुई, उसके बाद भी गए आप? उसके बाद भी गया। अच्छा, तो उनको मौसीकी का शौक था? शौक था। अच्छा, तो उनके दरबार से मुतालिक लोगों में कौन थे? और बहुत सारे लोग आए थे, शंकराबाई भी थी, गुलाम अली खान भी आते थे, बेगम अख्तर, बेगम अख्तर, अच्छा नौशाद अली। अच्छा, ये जो बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स हैं जैसे दिलीप कुमार हैं, सायरा बानो, ये आपकी महफिलों में शरीक हुए हैं? उन्होंने अपने घर पे अरेंज करते थे, पाली हिल बम्बई। बिल्कुल जी, तो उनके घर पे महफिल होती थी जी, छत पे जी। धूपकाल का जमाना था जी, तो सुबह हो जाती, कब सुबह हो जाती समझ में नहीं आता था जी, और सब बैठे हुए हैं चिपके हुए। अच्छा, कौन कौन आते थे? हम बहुत सारे लोग आते थे, जिनके नाम को है कुछ, सुनील दत्त भी आते थे जी, और दिलीप कुमार जी। और दिलीप कुमार आके तो बस बहुत देर तक तो खड़े रहते थे। अच्छा, खड़े रहने की वजह क्या थी? कुछ नहीं, वाह 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 जी, यानी दूसरे बैठे हुए थे ना, इन्हें वाह वाह करते थे। अच्छा, तो फिर उनको लाके कुर्सी देते थे, कुर्सी पे बैठते थे वो। अच्छा, नौशाद? नौशाद में बहुत चाहते थे जी, बहुत बहुत चाहते थे। अच्छा, नौशाद बोले कि हैदराबाद छोड़ो, मेरे पास आ जाओ यहाँ पर जी। मैं बोला यही नहीं छूटता। अच्छा, ये हैदराबाद की मोहब्बत भी कई लोगों की तरफ करने से होती है। बिल्कुल, तो नौशाद भी हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते थे सर। नौशाद क्या है, नहीं तो बड़े गुनी, बहुत अच्छा लिखते थे, लिखते भी थे, बजाते भी थे, हारमोनियम बहुत अच्छे बजाते थे। लिखते क्या थे? शेर महाराज, शेर। अच्छा, हमारे दीपक राव साहब कब से आपके साथ संगत कर रहे हैं? बचपन से संगत कर रहे हैं, छोटे। अच्छा, 4-5 साल। अच्छा, 5 साल के थे। अच्छा, बेटी है जी, तो हिदायत कुछ करना पड़ता है गाने से पहले? हाँ, नहीं नहीं, वो तो उनको मालूम हो जाता। तबले पे कुछ ठोकते हैं तो उसका मतलब क्या होता? सुर मिलाने के वाले, सुर मिलाना रहता। अच्छा, अपने गले से मिल जाना हो जी। अच्छा, तो उसमें है बहुत आला दर्जे के तबला नवाज कौन कौन थे? बहुत सारे थे, अहमद जान जवाब ने उनका था जी, सब में बड़ों में थे वो जी, निजामुद्दीन, निजामुद्दीन और अल्लाह रखा, अल्लाह रखा। उनके भांजे हैं ना ये जाकिर हुसैन? बेटे, बेटे हैं, बेटे हाँ। अच्छा, तो ये यानी वो पूरा उसमें भी मौसीकी का जानना और राग राग जानना जरूरी? बिल्कुल। तो ये आपके साथ कई यानी सीखा भी आपसे ही? अच्छा, फिर बाद में को एक गुरु है यहाँ पर गजेंद्र बोल रहे, उनके पास तालीम लेते हैं, अब तक भी लेते हैं। अच्छा, और मेरे साथ संगत के वास्ते जो मैं फिल्म में गाता हूँ आप साथ रहे। तो यहाँ पर दूसरों को अगर बुलाए तो कई तरीके के बातें कर देते कि हमको इतने होना, हमको इतने होना। तो ये तबले में भी क्या कुछ सोलो प्रोग्राम होते हैं? हाँ, सोलो, सोलो तबले के सोलो भी होते हैं। अच्छा, आप बांसुरी के साथ भी आप गाए हैं? बांसुरी बजाने वालों के संगत भी करा मैं। अच्छा अच्छा, बांसुरी में कौन आपको ज्यादा अच्छे लगे? ये जैसे पन्नालाल घोष, बड़े लोग, उनके साथ तो संगत नहीं करा मैं किसी चीज़ की, मगर सुनता था बैठे सामने। अच्छा, और खुद उन्होंने बोलते थे विठल सामने बैठो मेरे। अच्छा, और सितार, सितार रविशंकर, रविशंकर जवाब ने उनका, शाहिद परवेज, शाहिद परवेज ये शाहिद परवेज, शाहिद परवेज वो भी सितार बजाते। सबसे मुश्किल साज कौन सा है विठल उत्सव? सारंगी है। सारंगी,
सरंगी को जितना अच्छा मिला है उतना अच्छा बोलती हो जी, और बजाने वाली भी होना चाहिए वैसे। अच्छा, अब कम है मगर है हैदराबाद में। अच्छा, अभी सरंगी बजाने वाले ये जो जुनूबी हिंद के साथ होते हैं जी, वो क्या हिंदुस्तानी मौसीकी में भी इस्तेमाल हो सकते हैं आजकल? जैसे मृदंगम वगैरह भी होते हैं। मृदंगम बोले तो तमिल लोगों के पास ज्यादा रहता है, कर्नाटक। हिंदुस्तानी मौसीकी और कर्नाटक मौसीकी में क्या थोड़ा थोड़ा फर्क है जी? फर्क है थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, मगर ठेका तो वही है जी, मगर तरीके अलग अलग है। अच्छा, बजाने के नहीं। आप ये अपनी यादगार महफिल में आपको कुछ इनामात और एजाजात भी मिले हैं, यानी कोई संगीत नाटक एकेडमी से मिले हैं? पर कोई याद भी नहीं है, बहुत सा अच्छा बहुत सारे चीजें मिले। हमारे दीपक राव साहब को याद है, ये चीफ मिनिस्टर दिए थे हंसा अवार्ड बोल के। हंसा अवार्ड चीफ मिनिस्टर ये राजशेखर रेड्डी, राजशेखर रेड्डी। पीवी नरसिम्हा राव भी दिए थे। कौन सा अवार्ड? अवार्ड तो वो तो गुलपोशी वो ये हुए थे, शालपोशी गुलपोशी। पीवी नरसिम्हा राव 95 में, 1995 और चीफ मिनिस्टर 2006 में दिए थे हंसा अवार्ड। हंसा अवार्ड। हंसा का मौसीकी से क्या ताल्लुक है? वैसे कुछ है क्या? हंस जो परिंदा, हाँ, परिंदा है, वो गाता तो नहीं है? नहीं, 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 उसकी आवाज बड़ी इतनी अच्छी निकलती थी। अच्छा, वो तो हंस अपने एपी का बड़ा है वो अवार्ड। अच्छा, जैसा नंदी, इसके बाद नंदी अवार्ड, वो तो फिल्म वाले का है, तो वो भी हंसा अवार्ड भी। अच्छा, आपके शागिर्द भी बहुत रहे होंगे? काफी है। अच्छा, उनमें कोई काबिल जिक्र? जसबीर कौर। क्या ये दिल्ली की हैं? नहीं, हैदराबाद की है। अच्छा, और वो है ना इंदिरा नायक, इंदिरा नायक को तो मैंने भी देखा है, वो आके सीखती थी मेरे पास। अच्छा, तो ये सिखाने का तरीका क्या होता है? पहले सरगम सिखाते हैं जी, पहले सरगम सिखाते। अच्छा, तो ABCD समझिए उसको। अच्छा, सारे गामा बिल्कुल जी, सरगम सिखाते, सरगम में परफेक्ट हो गए तो उसके बाद में गजल सिखाते या क्लासिकल सिखाते जी, क्योंकि क्लासिकल का भी टच होना जरूरी है। हाँ, तो गजल के वास्ते भी बहुत अच्छी हो जाती हो क्लासिकल। अच्छा, मगर आजकल क्लासिकल गजल सुन रहे भी नहीं लोग, और ढोलक पे शुरू हो जा रहा। अच्छा, आपकी याद आई बिल्कुल यूँ चल रहा। अच्छा, लेकिन ये मखदूम के गजल आपकी याद आती रही रात भर, ये कोई खातून गाई हैं? मैं समझता हूँ उन्होंने तो अच्छी गाए हैं जी। आप भी गाए हैं क्या ये? आपकी याद आती रही रात भर, शुरू तो मैं गाया। अच्छा, ये जरा सा गुनगुना दीजिए। आपकी याद आई क्या है? आती रही रात भर, चश्मनम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर। अच्छा, मखदूम ने खुद भी सुना है आपको गाते हुए? सुना। अच्छा, तो क्या कहते थे? बहुत बहुत खुश होते थे। मखदूम का तराना सुनते मैं बीच में एडिट कर, मखदूम का वो सुनाइए, ये दो बदन प्यार किए। हाँ, एक चमेली के, एक चमेली जवाब ने इतना। हाँ, तो ये लोगों की बनाई हुई है। अच्छा, ये बोलिए आप बनाइए आप इसमें वो क्या है? याद है? हाँ, एक याद है आप? हाँ, याद, जरा जरा याद है। मखदूम लिखे भी है मेरे पास। मखदूम के एक बहुत मशहूर उनका गीत समझिए, नज्म समझिए, एक चमेली के मंडे तले, जिसका नाम राज बहादुर गौड़ ने अपने घर का नाम भी यही रख दिया था। अच्छा, तो मैंने सुना है कि आप असल तर्क आप ही की बनाई भी है फाइन आर्ट्स एकेडमी के जरिए, अगर आपको याद हो तो। विट्ठल मुमताज मशहूर थे जी, हम लोग तो एक चमेली जोड़ी थी हमारी। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा गुनगुना दें और हमारे दीपक राव साहब इसमें मदद भी करते जाएं, अगर तबला न सही तो मुझे याददाश्त में मदद। दो बदन प्यार।
दो भजन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे तले। प्यार हरफे वफा प्यार उनका खुदा, प्यार हरफे वफा प्यार उनका खुदा, प्यार उनकी चिता। दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मंडवे तले। और इतनी मशहूर हुई है जी, एक चमेली को शायद फिल्म में भी लिया गया। हाँ जी हाँ, इकबाल कुरैशी। जी हाँ, इकबाल कुरैशी। तो उसमें वहाँ कौन गए थे पता नहीं सर। अच्छा, लेकिन तर्स की इजाजत उन्होंने आपसे ली थी। जी हाँ। अच्छा, तो वो ये वैसे ये धुन जो आपने बनाई थी ये किस राग से मिलती जुलती है? अब देखिए, आम फहम राग है वो, खमाज उमाज कुछ मिलता है इसमें जी? नहीं, खमाज मिलता है क्योंकि मिक्स करके गाते हैं हम लोग गजलों के हिसाब से। और इसके अलावा शास्त्रम कनत की कोई गजल आपको याद है? शास्त्रम कनत कौन सी? दीपक राव साहब आप थोड़ा याद दिले। याद नहीं आपको? होना चाहिए। क्यों चुराते हो देखकर आंखें, क्यों चुराते हो देखकर आंखें। संगीत साधना इंस्टीट्यूट है, संगीत साधना आपका मैंने जो जहाँ आप सिखाते हैं जी, इस पे बात करूँ। संगीत साधना जी के नाम से आपने इदारा कायम किया है जहाँ आप नौजवान गाने वालों को सिखाते हैं, तो उसमें क्या उसका तरीका क्या है? कुछ नहीं, पहले उनको सरगम सिखाते थे जी, जैसा अलिफ भी जैसा होता जी जी, सरगम सिखाते थे। सरगम में जरा उनको आ गया थोड़ा सा तो लय लय जरूर गए जी, वो लय होने के बाद में अच्छा गाने लग जाते। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे लोग सीखे वहाँ पर। सरगम सीखने में कितने दिन लगते हैं? सरगम सीखने में कम से कम 10-15 दिन तो जरूरी है। अच्छा, 10-15 दिन सुन लिए तो उनको मालूम हो जाता जी, पढ़े लिखे आते सब जी, तो उनको बता दिए तो जल्दी पिकअप कर लेते हो। तो यानी फितरी रुझान भी जरूरी है, रुझान जरूरी है, मस्त से काम नहीं चलेगा जी। हाँ जी, तो अच्छा के मेरे शास की माना के मेरे जब से बढ़कर मुझे न दे, मुझे न दो, शमम ही मांगता हूँ समंदर, समंदर मुझे न दो। ये तो किसी और की है, मेरा जमीर बहुत है मेरी सजा के लिए, ये भी आप गाए थे। तू दोस्त है तो नसीहत न कर खुदा के लिए, ये आपने गाया जी। हां, इसे गुनगुना दीजिए। क्या है वो? मेरा जमीर बहुत है मेरी सजा के लिए, तू दोस्त है तो नसीहत न कर खुदा के लिए, मेरा जमीर। वाह, बहुत ये आपने कभी ये महसूस किया कि उर्दू से नावाकिफ लोग भी जब मूसीकी सुनते हैं और गजल सुनते हैं तो उन पे असर होता है? असर तो होता बराबर, उसकी क्या वजह हो सकती है? पता नहीं, सुनने के लिए आते जी, और उसकी तरस क्योंकि बहुत मुंडी खिलाते करते जी, मगर आजकल तो हर लोग उर्दू में सब सुन ले रहे हैं। अच्छा, उर्दू बोल रहे भी अच्छी। अच्छा, हर खाओ जी, हर वक्त। लता मंगेशकर से भी आप मिले? हाँ, काफ़ी मुलाकात रही लता से, मोहम्मद रफ़ी से, आशा भोसले जी,
तो उनसे भी पिक्चरों में गवाया मैं, मन्नाडे से भी गवाया। मन्नाडे कव्वाली भी बहुत अच्छी गाते थे, और जैसा वो पिक्चर का रहता लाइन तो उतने ही गवाना पड़ता उनसे। नौजवान गुलूकारों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस रियाज करें जी। उस्ताद जिसको बोलते जी, वो वाकई उस्ताद होता जी, कोई हो जी। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि उस्ताद के पास जाइए, सीखिए। पहले सरगम सिखाते जैसा अलीफ बे पेते है जी, तो उसमें जरा करेक्ट हो गया तो गजल गा सकते जी, नहीं तो गजल हो जाती हो। आपने अपने उस्तादों ने लक्ष्मण राव पंचपोती और शफीउज़्ज़मां साहब कौन थे? बहुत बड़े गवैये थे। अच्छा, हैदराबाद में आके बस गए थे वो। अच्छा, मगर जवाब नहीं था उनका भी। तो वो भी क्लासिकल? क्लासिकल भी, बिल्कुल क्लासिकल भी गाते थे। तो जिन दिनों आप रेडियो पे गाते थे तो उन दिनों मुआवजा रेडियो से कम मिलता था? कम, बहुत कम मिलता था। अच्छा, रिकॉर्डेड तो नहीं होता था, हमेशा लाइव होता? लाइव होता था। अच्छा, तो ये हैदराबाद रेडियो से आप गा रहे? तो जाहिर है कभी टीवी पर भी आपने प्रोग्राम किया? टीवी पे भी गाया। अच्छा, हैदराबाद के अलावा और कहाँ? दिल्ली वगैरह? दिल्ली, दिल कहाँ है? दिल्ली, बॉम्बे, वहाँ भी बहुत। बीबीसी लंदन में भी गया। बीबीसी लंदन से भी आपने? अच्छा, तो वो वहाँ पर भी मैंने गजल सुनाई। गजल सुना, गजल के वास्ते बुलाए थे वो लोग। अच्छा, तो एक लिहाज से पूरी दुनिया में सुनी गई आपने? बस अमेरिका में? अमेरिका में भी काफी सुने। जी ठीक है, बहुत